दिखाऊंगी मैं रावण कुमार को कि कितनी आसानी से एस साइज में फिट हो जाती हूँ। इतनी मेहनत की इस ड्रेस पे, साइज भी चेंज किया, शे जिसको दिखाना तो उसने तो देखा ही नहीं, क्या फायदा स्मॉल में। फिट आई यार मैं स्मॉल में, बट व्हाट्स द यूज। फ्लाइट मिस हो गई? नहीं, 3 घंटा डिलेड है। क्यों? तुम्हें तो अफसोस हो रहा है कि मैं घर इतनी जल्दी वापस। इतना बड़ा करेला इतने छोटे छिलके में फिट कैसे हो गया? अरे मिस्टर रमन कुमार भल्ला, कैसी लग रही ड्रेस? आई नो अच्छी लग रही है। अब मैं फिट ही इतने अच्छे से हो गई इस ड्रेस में, एस साइज वाली ड्रेस। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं स्मॉल साइज की ड्रेस में फिट नहीं आऊंगी, यू नो बड़े बड़े नोशंस लोगों के, लेकिन मतलब मेरा मिरर कह रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ इसमें। आई मीन आई टोटली लव दिस ड्रेस, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे लिए बनी है, फिटिंग टोटल। कैसी लगी आपको? मुबारक। रावण कुमार की एक लाइन में एक भी टॉन्ट नहीं, ये एस साइज की ड्रेस में फिट कैसे हो गई है? एक रात में श्रिंक हो गई क्या? कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ये एस फॉर स्मॉल साइज की ड्रेस के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है अभी। लोग भी ना बस ऐसी चैलेंज वैलेंज थ्रो कर देते हैं कि लोग स्मॉल साइज के कपड़ों में नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर क्या है ना कि मुंह के बल गिरना पड़ता है। खुशी से ज्यादा फूलो मत, अगर ज्यादा फूक गई ना तो फट के इसी करेले के छिलके से बाहर आ जाओगी। जलन। और वैसे तुम खुश हो ना? Doesn't matter. What matters to me is कि रूही खुश है। यार इसको ड्रेस में फिट कैसे हो गई मोटी, समझ? अच्छा करेले ने छिलका बड़ा किया है और तेरी ये तो ये बात चीटिंग की है उसने। इसके मुंह से सच बोलवा को। शिट यार, क्या हुआ? ये बटन टूट गया मेरा। लाओ मैं टांग देती हूँ। प्लीज
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पतली हो गई ना, वही एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े ना लाने पड़े तुम्हारे। मैं सीरियसली कह रही हूँ, शर्ट दीजिए उतार के, मैं टाक के देती हूँ, नहीं तो बिना बटन के फ्लाइट में। मैं अपना काम खुद कर लूंगा प्लीज। कहाँ है ये स्विंग किट यार? इस घर में कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं होती, कहाँ रख देते हैं लोग? इतना क्यों चिल्ला रहे हो, वहीं पे रखा रहता है हमेशा। हाँ तो रात रात के उसको पाँव वगैरह चल के चली गई अपने आप कहीं। हमेशा वही होता है, मैंने वहीं पे देखा था पहले भी, आप वहीं पे देखिए, रखा होगा। नहीं है ना लेकिन यहीं पर। अरे कैसे नहीं है, हमेशा वही रहता है। जब ड्रेस ऑल्टर की थी तब। तुमने रात को ड्रेस को अल्टर किया और ये डब्बा वहां छुपा दिया, क्या है यार रिश्ता? क्या है जो इंसान चीटिंग करके जीतता है उसे विनर नहीं करते, लूजर करते हैं, समझी लायर? रात भर में खुद पतली नहीं हो सकी तो ड्रेस को बड़ा कर दिया उसमें घुसने के लिए, हैं? क्या हुआ? मैं क्या अब ऐसे नहीं घूमना तुमको ऐसा। हाँ मेरी ड्रेस देखो कितनी प्रिटी है। हाँ आईना नहीं कह रहा कितनी प्रिटी हो। ओ क्या दो शर्ट दो, मैं सिलती। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं? हेलो शर्ट दो। शर्ट नहीं उतारूंगा, सीना है तो ऐसे सीना पड़े। बटन कहाँ ले जा रही हो, बटन तो यहीं रहेगा। वैसे मानना पड़ेगा इशिता कि तुम में अपनी गलती मानने की ताकत बिल्कुल नहीं है। अगर होती तब तक तुमने सॉरी कह दिया होता और मान लिया होता कि तुम मोटी हो। नहीं मोटी कहा तो क्या सुई से मार दोगी किसी को? सुई चुभने से कोई मरता नहीं है ना। लेकिन ओवरवेट से लोग बहुत मरते हैं आजकल। संभाल लो, इतना ठूसना बंद करो। तुम देखो अपने आप को, हेल्थी जा रही हो यार। मुझे रियली लगता है कि मैं मोटी हूँ। अपने आप को देखा है? सीरियसली एंगल तुम्हें ऐसे कैसे लग गया? 360 डिग्रीज, कोई एंगल नहीं बचा जहाँ से तुम पतली लग सकती हो। साइड देखो, टायर हो गए, पहुंच आ रही है। एंड हेलो मैडम, इवन फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड तुमने कब कब देखा? ये जो है ना, ये आंखें बटन नहीं, और इन्हें मैं खुली रखता हूँ चीजें देखने के लिए। तो जब तुम अपने लंबे चौड़े भाषण मुझ पे चिपकाती हो ना, तो मैं यही सब नोटिस करते रहता हूँ। ये सब चीजें देखते हो आप? अब जो जैसा दिखेगा वैसा ही दिखेगा ना। एनीवे, तो मुझे कहना था, मैं कह चुका हूँ, मेरा बटन लग गया है, मैं चला। और सुनो, दो दिन के लिए जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो आने के बाद ड्रेस तो दूर, तुम्हें चद्दरों में लपटना पड़े। इतनी मोटी हो क्या मैं? फिर अंकल